धमतरी जिले के सिहावा रोड में देर रात हुए सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में एक युवक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की पहचान राकेश यादव और पुखराज ध्रुव के रूप में हुई है, जबकि रेमन मरकाम का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। निर्मल यादव आत्महत्या मामले में दोषी अभिषेक गौर को दुर्ग पुलिस के द्वारा नागपुर बराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी को लेकर भिलाई पहुंच चुकी है। आरोपी की गिरफ्तारी में साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गरियाबंद में नेशनल हाईवे 130 मार्ग में आज गरियाबंद की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले पुल को जमकर ठोकर मारी और पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए गड्ढे में घुसकर पेड़ से जा टकराई, जिससे स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। वाहन में सवार 8 लोगों में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र में शराबी युवक ने शराब पीने से मना करने पर अपनी पत्नी की हत्या डंडे से पीट पीट कर कर दी। इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी पर लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का राज खुला तो पुलिस ने आरोपी व उसका साथ देने वाली बुआ को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के धर्मजगढ़ SODP दीपक मिश्रा द्वारा तमनार क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी आशुतोष बोहिदर को एंट्रोसिटी एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया है। आरोपी आशुतोष बोहिदर के विरुद्ध तमनार पुलिस को लगातार क्षेत्र के लोगों से जबरन झगड़ा विवाद मारपीट करने तथा कंपनियों में जाकर अवैध रूप से रुपये मांगने की शिकायत मिल रही थी। यातायात शाखा थाना पेंड्रा चौकी कोटमी की संयुक्त टीम ने अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सिलपहरी थाना पेंड्रा से 8 ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत खनन एवं परिवहन करते पकड़े गए हैं। उक्त सभी ट्रैक्टरों को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई हेतु खनिज विभाग को सौंपा गया है। कांकेर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलतरा में ठेकेदार द्वारा वन भूमि का मिट्टी अवैध रूप से खनन करने लगाई गई JCB पोकलेन और हाईवा को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया है। वन परिक्षेत्र कांकेर के ग्राम सिलतरा में ठेकेदार के द्वारा वन भूमि में अवैध खनन किया जा रहा था। नारायणपुर जिले में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। 20 दिनों में चौथी बार माओवादियों ने ओरछा नारायणपुर मार्ग को बंद कर दिया। माओवादियों ने सड़क पर पेड़ काटकर गिरा दिया, जिससे 6 घंटे तक मार्ग बाधित रहा। सूचना पर फोर्स के जवान मौके पर पहुंचे और रास्तों से पेड़ों को हटाया। रायगढ़ जिले के कोतवाली TI मनीष नागर द्वारा पीड़िता के रिपोर्ट दर्ज कराने के मात्र 12 घंटे के भीतर जिले से फरार होने का प्रयास कर रहे आरोपी संतोष साहू को तमनार से गिरफ्तार कर रायगढ़ लेक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने प्रार्थिया के साथ 2010 में जब नाबालिग थी तब शादी का आश्वासन देकर दैहिक शोषण किया था और 12 अप्रैल 2022 को उसका अंतरंग वीडियो वायरल कर दिया था। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में देर रात दरवाजा तोड़कर घर में घुसे बदमाशों ने परिवार पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। हमले में युवक झुलस गया है। भागते समय आरोपियों ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और घर वालों की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने आकर दरवाजा खोला व घर वालों को बाहर निकाला। कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ चाचा ने अपनी सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी चाचा अपनी 16 वर्षीय भतीजी को डराकर लगातार उससे दुष्कर्म करता रहा। दुष्कर्म की घटना सामने तब आई जब लड़की गर्भवती हो गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा के बालको पावर प्लांट पे तैनात सिक्योरिटी गार्ड धरने पर बैठे हुए हैं। अधिकारियों के प्रमोशन देने से मना करने पर सभी सिक्योरिटी गार्ड पावर प्लांट के अंदर ही धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन से बालको पावर प्लांट फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया।
बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम केवतरा में लोन की किस्त वसूली के लिए पहुंचे एजेंट से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के कुछ घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले के सिपत थाना क्षेत्र में ग्राम सेलर और खैर डंगनिया के मध्य नदी से अवैध रूप से ट्रैक्टर में रेत उत्खनन का कार्य चल रहा है, जिसे माइनिंग अधिकारियों को सूचना देकर घटनास्थल पर पहुंचकर अवैध रेत उत्खनन करते 5 ट्रैक्टर को पकड़ा गया, जिसे विधिवत कार्रवाई करते हुए थाना लाया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में अवैध गिट्टी परिवहन करते हाईवे को जब्त किया गया है एवं एक ट्रैक्टर अवैध पत्थर परिवहन करते पकड़ा गया। राजधानी रायपुर के रिंग रोड पर अल सुबह सरेरा युवक के हत्या का मामला सामने आया है। रिंग रोड में बुधवार को सुबह 4 बजे युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी और चंद घंटे में 3 हत्यारों को धर दबोचा है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। राजधानी रायपुर सहित दुर्ग में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने रायपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे उन्हें बड़ी सफलता मिली है। अलग अलग स्थानों में 2 दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी की कुल 25 नग दोपहिया वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। कोरबा जिला पुलिस ने हरदी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम रलिया के खदान किनारे डंप अवैध रूप से डंप कर रखे 25 टन कोयले को जब्त किया गया है। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि चोर ने कोयले की चोरी करके वहां रखा था। इस मामले में हरदी बाजार पुलिस ने आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। रायगढ़ में मवेशियों को बचाने के चक्कर में कैसी हुई अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में शिक्षक सहित उसके परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना खरसिया थाना क्षेत्र के कुनकुनी के पास हुई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ के कोनारी में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे चचेरे भाई बहन थे। बच्चों को डूबते देख उसकी माँ भी बचाने के तालाब में कूद पड़ी, लेकिन वह भी डूबने लगी, जिससे पास में नहा रहे दूसरे व्यक्ति ने बचाकर बाहर निकाला। बालोद जिला मुख्यालय में तक्षशिला स्कूल के सामने बुधवार को दोपहर 1:30 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इसमें चालक की लापरवाही से एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति के पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। जगदलपुर के चित्रकूट वाटरफॉल में एक महिला का शव मिला है। महिला की शिनाख्त ललिता के रूप में हुई है, जो कांकेर जिले की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि महिला पिछले कुछ दिनों से पहले वाटरफॉल के पास स्थित मंदिर आई थी, यहीं रात गुजारी थी। चैत्र नवरात्र के समय मंदिर में ही उसने कन्या भोज भी करवाया था। गरियाबंद जिले के तहसील मुख्यालय मैनपुर से महज 2 किलोमीटर दूर मुख्य नेशनल हाईवे रायपुर देवभोग मार्ग में 130 सी पेट्रोल पंप के सामने रोड सेफ्टी सूचना बोर्ड से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक सवार 3 युवकों में से एक की मौत हो गई। गीदम थाना क्षेत्र के मंदेड़ से एक पिकअप वाहन में 10 से 11 लोग सवार होकर नगर नार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 में गीदम के ऑडिटोरियम के पास भारत ट्रेवल की बस, जो जगदलपुर से गीदम की ओर आ रही थी, उसके पिछले हिस्से से टकरा गई और टकराने के कारण पिकअप का अगला चक्का फट गया, जिससे पिकअप वाहन नियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 4 बच्चे सहित 11 लोग घायल हुए हैं। महासमुंद जिले के सिघोड़ा थाना क्षेत्र में ओडिशा और महासमुंद सीमा पर खड़े एक ट्रक की जांच में पुलिस ने 1 क्विंटल गांजा जब्त किया है। जांजगीर जिले के दर्री थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 49 में ट्रक को रोककर चालक व हेल्पर से मारपीट कर 7,000 रुपए छीनने वाले 3 युवक एवं 4 नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूट की रकम 3,500 रुपए और 2 बाइक भी जब्त की गई है। 3 बालिक आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है, जबकि 4 नाबालिगों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है।
पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शासकीय संपत्तियों को चोरी कर कबाड़ी को बेचा करते थे। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से रेल पटरी के टुकड़े, गैस कटर व ऑक्सीजन सिलेंडर समेत एक मालवाहक जब्त किया गया है। आरोपियों ने बताया कि ये लोग हथखोज के कबाड़ी अनिल ठाकुर के कहने पर रेल संपत्ति की चोरी करते थे।